नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। कल भारत के लक्ष्य से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी बैडमिंटन में, क्योंकि लक्ष्य सेन ने अभी तक पेरिस ओलंपिक 2024 में बहुत बेहतरीन बैडमिंटन का खेल दिखाया, लोगों ने बहुत तारीफ करी है। और जिस तरीके से वो चाइना को हरा कर आए थे, उसके बाद से ये था कि लक्ष्य सेन जो है वो विक्टर को भी हरा कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। कल जब हॉकी का मैच खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर लक्ष्य का मुकाबला था। हॉकी में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज करी थी, उसके बाद यहाँ से लक्ष्य से उम्मीदें थी और लक्ष्य ने शुरुआत बहुत अच्छी करी और लक्ष्य को पर वहां पर जो विक्टर हैं उन्होंने मात दे दी। पहले तो 22-20 से उन्होंने हराया, फिर उसके बाद 21-14 से लक्ष्य सेन को हरा कर भारत का यहाँ पर दिल तोड़ दिया, क्योंकि लक्ष्य सेन ने बहुत अच्छा खेला था, दोनों गेम में बहुत आगे थे, पर उसके बावजूद भी विक्टर ने शानदार वापसी करते हुए लक्ष्य को हराया। ये ना बोले जो विक्टर है वो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे और वो कहीं ना कहीं फेवरेट भी थे और दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे बैडमिंटन में। और उन्होंने बता दिया कि जो कहते ना कि अनुभव जो है वो आपके बहुत काम आता, और कल उनका अनुभव बहुत काम आया। पर जीत के बाद जो विक्टर है उन्होंने लक्ष्य सेन को लेकर दिल छू लेने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य सेन के साथ ये जो मेरा मुकाबला था वो मेरे लिए वन ऑफ द टफेस्ट मुकाबला था। लक्ष्य सेन एक यंग और टैलेंटेड खिलाड़ी है, उनके साथ खेलकर बहुत मजा आया, पर साथ के साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह खिलाड़ी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। वो लॉस एंजलिस में जो होने वाला अगला ओलंपिक है उनका मानना है कि प्रबल दावेदार रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत टैलेंट है और आज जो है मेरा अनुभव काम आया। लक्ष्य सेन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नर्वस दिखाई दिए गए, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, पर वही जिन्होंने जीत दर्ज करी विक्टर ने लक्ष्य सेन की खूब तारीफ करी है कि कहते हैं कि ये आने वाले समय में दुनिया का सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी बन सकता है। और अब लक्ष्य सेन से भले ही कल वो हार गए, पर लक्ष्य सेन से अभी भी उम्मीदें जिंदा है, क्योंकि आज उनका शाम को 6 बजे ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला। हम तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि लक्ष्य सेन जो है एटलीस्ट गोल्ड सिल्वर ना सही तो ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीतेंगे, पर ये वाला मुकाबला भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ ये मुकाबला है वो दुनिया के रैंकिंग में 7वें स्थान पर आता है। यानी कि मैच अच्छा होगा, उम्मीदें लक्ष्य सेन से बहुत ज्यादा है और लक्ष्य सेन ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया, तो हम उम्मीद करते कि एटलीस्ट आज लक्ष्य सेन भारत के लिए मेडल जीत कर सभी भारतीयों का यहां पर दिल खुश करेंगे। अब देखते हैं कि आज क्या होता है। तो ये थी हमारी पूरी जानकारी। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़।